हे गाइस, सो वेलकम टू मन्नू मारा व्लॉग्स। तो क्या हाल आप लोगों के? तो गाइस, जैसे कि आज संडे है तो मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि हम सुबह 4:30 बजे उठे थे। हम लाल किला गए थे चोर मार्केट सुबह, तो वहाँ से हमको कुछ सामान लाना था तो हम वहाँ पे गए थे। तो उसके आने के बाद मैं सोया, नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा कि आज मौसम अच्छा है, दिल्ली का इतना ठंडा मौसम है तो क्यों ना पतंग उड़ाई जाए। तो मेरे पास कुछ पतंगें पड़ी थी पिछले साल की, जो कि मैं चांदनी चौक से लाया था। चांदनी चौक में इनका जो मार्केट लगती है पतंगों की, तो वहाँ से लाया था पिछले साल। तो मेरे बहुत सी पतंगे बच गई थी, कम से कम 100 पतंगे बच गई थी। तो मैंने सोचा कि आज उनको उड़ाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो मौसम मैं दिखाता हूँ आपको दिल्ली के अंदर मौसम कैसा हो रहा है आज संडे के दिन। तो ये कुछ पतंगे हैं तो मैं उड़ाने जा रहा हूँ अपने छोटे भाई साथ, कार्तिक ऋतिक के साथ। तो मेरा ऋतिक, हेलो गाइस, गाइस जो है कि हमको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, मन्नू मेरा व्लॉग्स, मन्नू मेरा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, लाल किला का, तो वो भी देखिएगा, तो दोनों व्लॉग को देखिएगा। ये संडे का व्लॉग मेरा, जो कि पतंग उड़ाते हुए, तो अभी उड़ा रहे हैं 4-5 बंदे, उनकी काटी भी हमने बहुत, तो लगे हुए हम उड़ाने में, एंजॉय कर रहे हैं। मौसम आज अच्छा है दिल्ली का, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं आप मौसम कितना अच्छा संडे वाले दिन। 12 बज रहे लेकिन धूप नहीं निकली आज, क्योंकि आज सुबह 4:30 बजे बारिश हो गई थी, तो तब से ही मौसम ऐसा बना हुआ है इतना अच्छा। तो वहाँ पतंगे उड़ रही हैं कितनी, तो हम भी आज इंजॉय कर रहे हैं दोनों, ऋतिक और मैं। तो ये कुछ पतंगे लाया हूँ मैं अभी, बाकी घर पे पड़ी हैं, सारी नहीं लाया। और ये चढ़खड़ी देख सकते हैं, 4 रील की थी, 3 रील अभी भी पड़ी है इसमें, 1 रील यूज़ हुई थी मेरी खाली। तो आज इंजॉय कर रहे हैं हम फुल, तो देख सकते हैं आप। तो गाइस, मज़ा आ रहा है, संडे इंजॉय हो रहा है काइट उड़ाते हुए। तो टाइम अभी हो रहे हैं 1:45, तो मौसम तो है ही अच्छा दिल्ली का, आपको लोगों को पता ही है संडे है तो इतना अच्छा मौसम है। तो रितिक, कैसा मौसम है दिल्ली का? बहुत अच्छा गाइस, मज़ा आ रहा है आज। सब्सक्राइब करो चीचोला गेम पर। तो गाइस, मैं संडे को वैसे आता नहीं हूँ, लेकिन संडे को आज आ गया छत पे, क्योंकि आज मौसम है अच्छा। तो मैं सोचा कि ना पतंगे पड़ी है घर पे तो उड़ाई जाए। तो ये देखो, मैंने ऑटो मोड पे लगा दी अपनी पतंग, और मेरी पतंग बोरी आसमान में हो रही है, देखिए। इसमें 1 रील खत्म हो गई है, तो ये मैंने ऑटो मोड पे है, मेरी पतंग हो रही है, देखिए आसमान की ऊंचाइयों में बोरी ऊपर, कितनी ऊपर है ये देखिए, अपने आप ही उड़ रही है। इसको कम से कम आधा घंटा हो गया मैंने ऐसी लगा रखी है, 4 पतंगे काटी तो ये उड़ रही है ऐसी। इस पतंग से मैंने कम से कम 2 पतंगे काट चुका हूँ, पहले भी पतंग उड़ाई थी उससे भी 2 पतंगे काटी थी। तो हमारे पास अभी ये बची हैं, कुछ घर पे भी हैं, तो मैं अभी उड़ा नहीं रहा ज़्यादा, अब थोड़ी देर और उड़ाएंगे 1 घंटा, फिर उसके बाद घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, लंच वगैरह करेंगे। अब तक मनु महरा के पास 100 पतंगे हैं अभी तो, ये कम से कम। तो गाइस, मेरा वैसे इस बार का कुछ प्लान है नहीं 15 अगस्त का, क्योंकि मेरा प्लान है इस बार कुछ बाहर की ब्लॉगिंग करने का 15 अगस्त पे, तो मैं शायद 15 अगस्त पतंगे ना उड़ाऊँ, तो इसलिए मैंने आज ही सोचा कि क्यों ना आज ही पतंग उड़ाई जाए, क्योंकि आज मौसम अच्छा है। और वैसे इतना अच्छा मौसम मिलता नहीं है मेरे को अभी दिल्ली के अंदर, आप देख सकते हैं बादल पूरे हैं, बारिश आएगी मे बी शाम तक हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पतंग उड़ा ले तब तक जब तक मौसम ठंडा है, क्योंकि 15 अगस्त पर तो इतनी गर्मी होती है मन ही नहीं करता पतंग उड़ाने का। तो इस 15 अगस्त में मेरा कुछ प्लान बन रहा है बाहर जाने का दिल्ली से, तो वहाँ के मैं ब्लॉग शूट करूँगा। तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भी, मुन्नू मारा व्लॉग्स, और मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं उनको सब देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। गाइस, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं हम। तो ये देखिए, पतंग उड़ रही है अपने आप, तो अभी हम मज़े ले रहे हैं, बैठे हुए हैं आराम से छत पर, यहाँ बैठे हैं छत पर आराम से मज़े कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये बिल्कुल मेरे घर के सामने बिल्कुल पार्क है, 2 पार्क हैं, इसमें एक मंदिर है ये वाले में, और ये वाले में कुछ नहीं है, गार्डन बस खेलने के लिए है, ग्राउंड है, ये देख सकते हैं, ये है, ये डिवाइडर है यहाँ से पेड़ के दोनों के, ओ पेड़ कह रहा हूँ, पार्क के दोनों डिवाइडर हैं यहाँ से बिल्कुल सेंटर में से, ये लेफ्ट वाले में मंदिर है और ये वाले में ग्राउंड है खेलने के लिए, बैट बॉल कुछ भी खेल सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। तो बस इंजॉय हो रहा है संडे, सुबह भी गए थे लाल किला तो वहाँ भी थोड़ा इंजॉय करा हमने, विशाल मैंने और सुमित ने, बाकी फ्रेंड्स का भी प्लान था पर वो गए नहीं थे, तो हम थे तो होके आ गए थे वहाँ से, बस राइडिंग वगैरह करी सुबह हमने, तो बारिश आ गई थी जब हम यहाँ से निकले थे 4:30 बजे, तो बारिश आ गई थी बहुत तेज़, तो निकलते हुए फिर हमको इंद्रलोक तक बारिश मिली थी, उसके बाद बारिश नहीं मिली, ऐसे निकल गए थे 7:30 बजे तक निकल गए थे, फिर हमने लंच ब्रेकफास्ट हमने यहीं आके किया था घर के पास ही,
तो फिर उसके बाद मेरे को नींद तो आई नहीं, तो मैंने सोचा पतंगे पड़ियाँ तो निकालते हैं और संडे इंजॉय करते हैं, तो इसलिए मैं छत पे आ गया पतंगे उड़ाने के लिए। तो चलिए गाइस अब से विदा लेते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मनु मारा ब्लॉग्स को, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छे लगते हैं मेरे ब्लॉग्स तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस अलविदा लेते हैं आपसे। गाइस ये अब दूसरी पतंगे काटेंगे, वो पेचे हो गए दीपू मेहता, ये आई बो, अरे यार गाइस सॉरी। सो ये गाइस कैसे आप यहाँ पे पतंग उड़ा रहे, वो देखिए जूम करके, जूम मत कर ऐसे ही रहने दे, जूम मत कर, वो देखिए अब उसकी काटेंगे, जूम मत कर। काट दो बोले तो काट दो, ये उसकी पतंग है, वो बंदे उड़ा रहे और ये हमारी पतंग है। चलो होने वाली, अरे नीचे से साइड साइड साइड, 3-2-1 गो, 1-2-3 यो भाई बो, वो जा रही उसकी पतंग गाइस, और ये उड़ रही हमारी पतंग, देखिए ओए मंदिर को कर दे, ओए लड़का तेरा, ओए पकड़ी है क्या, नहीं इसकी आई वो, लोहे का बंजा लपेट लगा अपनी पतंग। वो नीचे से हमला करेगा, वो वहां पे बंदे को देखो, वो उड़ा रहे हैं पतंग, 3-2-1 गो, ये करो करो आई बो गाइस, आई बो पहली आई बो।